हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? सुबह की राम राम आप सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब? होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। सो गाइस, सुबह का टाइम है, मैंने मूंग की दाल धुल ली है, शाम को मैंने भिगोई थी, इतने सारे छिलके निकाल दिए हैं। सारे छिलके मैं नहीं निकालती हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ आज बरी। तो 1.5 kg दाल मैंने भिगोई थी कल और आज मैं लगाऊंगी इससे बरी, क्योंकि गर्मियों में अच्छी लगती है, कोई सब्जी हमें दिखाई नहीं देती है, तो फिर बरी आलू बना लेते हैं, कढ़ी में बना लेते हैं डाल के बरी। और यहाँ पे छत पे ना कूलर लगाने की तैयारी हो रही है, कूलर में लगाई जा रही है घास, जो कि 2 साल से कूलर में नहीं लगी थी, पुरानी थी तो उस पूरी ख़राब हो चुकी थी, तो फिर नई घास लगवा रहे हैं उसमें। तो जो भी जो लड़के आए हैं लगाने के लिए, तो सेट कर रहे हैं कूलर को। और यहाँ पे मेरी नीचे सुबह की पूजा चल रही है, तो मंदिर से मैं पूजा करके आ गई हूँ, अभी मैं घर पे कर रही हूँ, अपने ठाकुर जी को नहला रही हूँ, कपड़े पहना रही हूँ और उसके बाद रामायण पढ़ूँगी और फिर खाना पीना बनाएंगे। तो गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना विदाउट स्किप, होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, कूलर में घास लग चुकी है, कूलर को नीचे भी ले आए हैं, ऊपर रखा हुआ था। तो गाइस, किस किस के यहाँ कूलर सेट हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, पंखे में ना नींद भी नहीं आती है रात को, इसलिए कूलर लगाना ही पड़ा आज। सो फाइनली कूलर सेट हो गया हमारा और यहाँ पे सारी बरी भी लगा दी हमने, ये देखो 2 कट्टे में लगाई हैं, पूरे 2 कट्टे भर गए हैं फुल। और मैंने चारों तरफ ईंट इसलिए रख दी है क्योंकि हवा चल रही है, कहीं उड़ ना जाए। सो फाइनली ये काम कर लिया, बहुत दिन से सोच रही थी कि बरी लगाना है और आज मैंने लगा ली। अव्या ने भी काफ़ी हेल्प करवाई है बरी, उन्होंने इतनी छोटी छोटी बरी लगाई है सच में बहुत अच्छी तरीके से। मैंने कहा चलो कुछ तो करेंगी, थोड़ा बहुत लगाएंगी तो हमारे लिए कम ही हो जाएगी दाल। गाइस, मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े लेने के लिए और यहाँ पे मेरी बरी भी सूख गई हैं, ये देखो क्रंची क्रंची। हाँ बेटा, वो अपना नहीं है, रख दो, उनका प्रसाद है बगल वाली आंटी का, इनको आज भर लेंगे, अच्छे से सूख गई है। नव्या बनाना, उसको भी दे दो थोड़ा सा, दो वो रखे हैं अंगूर ग्रेप्स रखे हैं उसमें किचन में है? दो है, दो वो तो खा लिए, खाली भी उसको प्रसाद नहीं दिया, दीदी को दो ये। ये देखो सरसों कट गई, पूरे खेत खाली डले हैं, ये देखो मामा क्या खाऊं, ये पेड़ दिख रहा है ना, आम का पेड़ है, इसमें क्या खाऊं, क्या खाऊं, इसमें दिया नहीं बिल्कुल ही प्रसाद, तुझे मैं कुछ दूंगी अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज दूंगी मैं तुझे, क्यों, क्योंकि तुमने उसको दिया नहीं, अब मैं उसको कुछ भी दूँ ना। आज मैंने पूरी छत क्लीन की, देखो साफ कर लिए ना, कलर दूंगी को ऐसे बांध के, मेरे को भी चाहिए। उसको ढकना था जाल में ना, कॉल करने वाली थी तुम लोगों को कि वहाँ से एक बैनर ले आते तो उसको ढक देते, तो ये न्यू त्रिपाल है पूरी, खराब हो जाएगी धूप में, इसको धुल के रख देंगे। पूरी छत क्लीन कर लिए, गिर जाएगी इसमें पैर चला जाएगा। मम्मा मेरे को भी चाहिए। क्या चाहिए तेरे को? इस पे लटकना। चलो पौधों में पानी डालो, पानी डालो, चलो
तुम उठा नहीं पाओगी, आज वो पूरा भरा है भगोना। छोटे वाले बर्तन में किसी में लाओगे तुम फैलाओगी। रुको रुको अभी नव्या, टमाटर कैसा हो गया है। एक बर्तन लिया अप्या, ओ अप्या एक बर्तन लिया, इनको वो कर लूं, भर लूं बरी। गाइज यहाँ पे शाम के टाइम पे अभ्या नभ्या डाल रही हैं पौधों में पानी, दोनों को पानी डालने का काम दे दिया है। और मैं ज़्यादातर शाम को ही पौधों में पानी डालती हूँ, और दिन में कभी नहीं डालना चाहिए, सुबह के टाइम भी नहीं डालना चाहिए। दिन की धूप में ना पानी डालने से और ज़्यादा पौधे मुरझा जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। रात को शाम को डालने से ना पौधों में नमी रहती है और पौधे कभी सूखते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं। सो दोनों बड़े खुशी खुशी डाल रही हैं। और यहाँ पर बरी लेके मैं नीचे आ गई हूँ, डिब्बे में भर रही हूँ सारी बरी, और अच्छे से सूख चुकी हैं, मैंने 2 दिन सुखाई हैं और अच्छे से इनमें धूप लग गई है, और मैं भर के रख दूँगी। सो गर्मियों की सब्जी तैयार हो गई है। सो गैस आप लोगों ने बरी लगाई कि नहीं, कुछ लोगों को पसंद भी नहीं होती हैं, कुछ लोगों को बड़ी पसंद होती हैं। सो यहाँ पे देखो मेरी बरी फैल गई थी, डिब्बा ही टेढ़ा हो गया एकदम से, क्योंकि मेरी नज़र अव्या नव्या पे, ये दोनों पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। आप फेस से पहचान सकते हो कि मैं गुस्से में ही बैठी हूँ इस टाइम पे। सो गाइज ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे मैं त्रिपाल साफ कर रही हूँ सर्फ से और ब्रश से साफ कर रही हूँ रगड़ के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है और बिल्कुल नई की नई रखी है। जब हमारा मकान बनना स्टार्ट हुआ था तब लेके आए थे ये, और फिर इसको यूज ही नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो वैसे की वैसे ही रखी थी। ऊपर छत पे जाल पे डली हुई थी, तो मैंने कहा ये धूप में चटक जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो मैं इसको अच्छे से धुल के और फोल्ड करके रख दूँगी नीचे और उस जाल पे डाल दूँगी। बैनर, काफ़ी सारे बैनर डले हुए हैं कोचिंग के, तो वही डाल दूँगी उस मकान पे रखे वहाँ से मंगा के, और बैनर से ढक दूँगी और ये नीचे उठा के रख दूँगी। सो गाइस मैंने त्रिपाल धुल ली है, त्रिपाल पल्ली क्या बोलते हो आप लोग, वो मैंने धुल ली है और अच्छे से डाल दी है तार पे, अच्छे से सूख जाएगी। और इतने सारे मैंने जूते धुले हैं आज, और अव्या और अव्या के पापा ये स्कूल पहन के गए हैं, बस वही बचे हैं। सो चलिए अब हम आ गए भागवत सुनने के लिए, जो कि हमारे पास में ही हो रही है। दोस्तों हमारे बिल्कुल ही पास में भागवत कथा हो रही है, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था, आप लोग भी आनंद लीजिए भागवत कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का। और यहाँ पे श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी जी के पैर पूज रहे हैं, सभी महिलाएं पूज रही हैं। और ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड किया हुआ है। और उसके बाद जैसा होता है ना शादियों में, शादी होती है तो निमंत्रण होता है, तो उसी तरीके से निमंत्रण है सबका, मतलब डेली ही खाना बनता है वहाँ पे, भंडारा होता है, बट कोई नहीं खाता था, जिसकी इच्छा होती थी वही खाता था। लेकिन आज तो किसी को ही नहीं जाने दिया, बोला खा के ही जाओगे, सबके लिए बना है तो आप लोग भी आ जाइए। और दोस्तों पंगत वाला खाना बहुत दिनों बाद खाया, बड़ा ही मज़ा आया, देसी खाना। खाने में
करने में। कि देखिए सारे लोग खाना खा रहे हैं, मतलब बाहर हम लोग गेट से बाहर निकल आए थे, फिर हमको वापस बुला लिया, बोला खा के ही जाओ। सो यहाँ पे चल रहा है सबका खाना पीना। यहीं पे मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। आप लोगों को फुल ब्लॉग हमारा कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छी वीडियो का वेट करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, जय माता दी।